Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, कक्षा सात की जो हमारा राजस्थान अध्ययन भाग दो के नाम से आती है, तो इसके क्वेश्चन आज मैं कराने वाला हूं रीट लेवल एक के लिए भी और लेवल दो के लिए भी। इस बुक के जितने भी जैसे जो पार्ट होते हैं उसके बाद वाले जो जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी मैं इसी वीडियो में कराने वाला हूँ। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बाद में, हालांकि बीच में से मैं क्वेश्चन बाद में कराऊंगा साथियों, लेकिन अभी कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 और 11 और 12 ये जो पुस्तकें हैं राजस्थान अध्ययन की, तो इनमें पीछे वाले प्रश्न में एक बार करा देता हूँ, एक एक दो दो दिन में सारी पुस्तकों के वीडियो आ जाएंगे आपके पास। तो इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद पीएन लोधा पे ही मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस पुस्तक में मैं आपको ये अनुकर्मणिका मतलब जो पाठ दे रखे हैं वो मैं बताने वाला हूँ। 9 पार्ट है। परिशिष्ट महात्मा गांधी का अलग से इसमें क्वेश्चन नहीं दे रखा है, इसमें महात्मा गांधी के बारे में बताया है। देखिए, पहला पार्ट इसमें है वन्य जीव संरक्षण, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि एवं सिंचाई, राजस्थान में कृषि विपणन, राजस्थान में व्यापार, राजस्थान के प्रमुख शासक, आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान, आज़ादी से पूर्व राजस्थान में सामाजिक शैक्षणिक सुधार और संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। तो मित्रों, ये जो जितने भी यहाँ पर ये टॉपिक है इससे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा। तो चलिए ये शुरू करते हैं। पहला पार्ट का आपका इसमें दो ही क्वेश्चन है पहले पार्ट में, जिसमें पहला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव में राजस्थान का राज्य पक्षी है मोर, गोडावन, तोता और कबूतर। तो साथियों, राजस्थान का राज्य पक्षी सभी को पता होगा, राजस्थान का राज्य पक्षी मित्रों क्या है? गोडावन है। विकल्प नंबर आपका दो सही है प्रश्न संख्या एक में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न दो देखेंगे पार्ट एक का। राजस्थान में सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? करौली, उदयपुर, श्री गंगानगर और माउंट आबू। तो साथियों, सदाबहार वन माउंट आबू में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? माउंट आबू में, क्योंकि माउंट आबू की जो जलवायु है मित्रों वो बहुत ही नमी वाली जलवायु है और ये सदाबहार वन के लिए उपयुक्त है। तो विकल्प नंबर चार सही है प्रश्न संख्या दो में। देखिए, ये जो प्रश्न नंबर तीन है इसमें आपको मिलान आपको करना है, ये आप होमवर्क भी मान सकते हो कि भाई सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, इनका आपको मिलान करना है कि कौन से पक्षी किस अभयारण्य में पाए जाते हैं। आप हमें चाहे तो कमेंट करके भी बता सकते हैं कि इसमें कौन सा मिलान किस प्रकार से होगा साथियों। चलिए नेक्स्ट पार्ट दो पे चलते हैं। बिल्कुल कम क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं क्योंकि आपका इंपॉर्टेंट समय है ये तैयारी का। पार्ट दो का प्रश्न नंबर एक है, धात्विक खनिज समूह की पहचान कीजिए। सीसा, तांबा, लोहा, सीसा, संगमरमर, जिप्सम, तांबा, मैग्नीज, चूना पत्थर और ग्रेनाइट, तांबा और अभ्रक। तो मित्रों, धात्विक खनिज की अगर हम बात करें तो धात्विक खनिज में यहाँ पे आपके चूना पत्थर धात्विक खनिज में नहीं आता, अभ्रक धात्विक खनिज में नहीं आता, जिप्सम धात्विक खनिज में नहीं आता, मतलब ये तीन विकल्प गलत है। जो सीसा, तांबा, लोहा वाला विकल्प है ये सभी धात्विक खनिज के अंतर्गत आ जाते हैं। विकल्प नंबर एक सही है साथियों पार्ट दो के प्रथम प्रश्न में। इसका दूसरा प्रश्न है, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र किस जिले में स्थापित है? चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, जैसलमेर में और नागौर में। तो साथियों, चंदेरिया सीसा जस्ता शोधक यंत्र बताना है आपको। देखिए मित्रों, ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। कहाँ पर स्थित है ये? चित्तौड़गढ़ में। विकल्प नंबर एक सही है आपका पार्ट दो के दूसरे क्वेश्चन में। ये भी क्वेश्चन क्लियर होगा आप सभी के। देखिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों, क्योंकि आरबीएससी की बुक्स से क्वेश्चन है और सभी को पता है कि इस बार आरबीएससी की बुक्स में से ज़्यादा क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। तो चलिए प्रश्न नंबर तीन पार्ट नंबर तीन पे आते हैं। तीसरा जो पार्ट है उसमें आपका पहला क्वेश्चन है, रबी की फसलों के समूह की पहचान कीजिए। रबी की फसलों की का जो समूह उसकी पहचान करना है। बाजरा, सरसों, चावल, मक्का, गेहूं, ग्वार, मूंगफली, तिल, कपास और गेहूं, चना और सरसों। तो साथियों देखिए, यहाँ पर जो बाजरा है वो रबी में नहीं आता है, मूंगफली रबी में नहीं आती है साथियों, मक्का रबी में नहीं आती है, बाकी गेहूं, चना, सरसों तीनों ही फसलें रबी के अंतर्गत आ जाती है। तो यहाँ आपका चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न एक में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो, जल संरक्षण हेतु सिंचाई की उत्तम विधि कौन सी है? नहरों द्वारा, खुले धोरों द्वारा, तालाब द्वारा और बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा। तो साथियों, उत्तम विधि की अगर हम बात करें
तो सबसे बेस्ट विधि होती है जल संरक्षण के लिए बूंद बूंद सिंचाई एवं फव्वारे द्वारा, क्योंकि साथियों इसमें जल का अपव्यय नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों उपरोक्त इसके अलावा जो विधियां हैं इसमें जल का अत्यधिक व्यय होता है मित्रों। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका। नेक्स्ट पार्ट 4 पे आते हैं। देखिए पार्ट 4 का पहला क्वेश्चन, 9 ही पार्ट है मतलब 18-20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपके है। चलिए पहला क्वेश्चन, कृषि विपणन बोर्ड मदद करता है किसान की, शिक्षक की, विद्यार्थी की और पशुपालक की। तो मित्रों कृषि विपणन बोर्ड जो है वो किसान की मदद करेगा। किसकी मदद करता है ये? किसान की मदद करता है मित्रों। विकल्प नंबर 1 सही है आपके पार्ट 4 के पहले क्वेश्चन में। चलिए पार्ट 4 का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि उपज मंडी में मध्यस्थों से वसूला जाता है। क्या वसूला जाता है मध्यस्थों से कृषि उपज मंडी में? विकल्पों को देखिए, पहला विकल्प है बाजार शुल्क मित्रों, दूसरा आपका विकल्प आता है लाइसेंस शुल्क, तीसरा है सेवा शुल्क और चौथा है परीक्षा शुल्क। तो साथियों परीक्षा शुल्क तो अलग हो गया भाई, परीक्षा शुल्क उनसे क्यों वसूलेंगे? उनसे वसूला जाता है लाइसेंस शुल्क। कृषि उपज मंडी में जो मध्यस्थ होते हैं, जो किसानों से फसल खरीद के और गवर्नमेंट को बेचते हैं, उनसे लाइसेंस शुल्क वसूला जाता है। विकल्प नंबर 2 सही रहेगा साथियों आपका प्रश्न संख्या 2 में पार्ट 4 के। चलिए पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन आपके आता है मित्रों। पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन ये देखिए मित्रों, पार्ट 5 का आपके पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा उद्योग बड़े उद्योग की श्रेणी में आता है? बड़े उद्योग की श्रेणी में जो आएगा वो है घानी तेल या शहद या सूती वस्त्र उद्योग और या खादी सिल्क। तो मित्रों बड़े उद्योग की श्रेणी में घानी तेल, शहद, खादी सिल्क, ये तो छोटे उद्योग है, बाकी सूती वस्त्र उद्योग बड़े उद्योगों की श्रेणी में आ जाता है साथियों। विकल्प नंबर 3 सही है प्रश्न संख्या 1 में पार्ट 5 का पहला क्वेश्चन है ये। देखिए पार्ट 5 का दूसरा क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु राजस्थान से निर्यात नहीं की जाती है? ऊन, जवाहरात, पेट्रोल और संगमरमर पत्थर। तो मित्रों ऊन तो भेड़ों से बिल्कुल, यहाँ भेड़ अधिक मात्रा में है, भेड़े तो उनसे ऊन निकालकर बिल्कुल ऊन को निर्यात किया जाता है, जवाहरात को भी निर्यात किया जाता है, संगमरमर पत्थर को भी निर्यात किया जाता है, लेकिन अब पेट्रोल का उत्पादन तो होता है साथियों लेकिन यहां से निर्यात नहीं किया जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 2 में पार्ट 5 का। बाकी ये जो वस्तुनिष्ठ मतलब रिक्त स्थान वाले प्रश्न है इनको आप पूर्ति करनी है। ब्यावर में वर्ष 1889 में किसकी स्थापना की गई? एक क्वेश्चन आपके ये भी है। एक क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति का निर्माण कौन से वर्ष में किया था? तो ये दो क्वेश्चन है, इनके आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देने हैं साथियों। नेक्स्ट पार्ट 6 की ओर बढ़ते हैं। देखिए पार्ट 6 में पहला क्वेश्चन, राजपुताने का कर्ण किसे कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, महाराणा सांगा को, मिर्जा राजा जय सिंह को और महाराणा प्रताप को। तो राजपुताने के कर्ण की बात की जा रही है, राजस्थान के कर्ण की बात नहीं की जा रही है, इस प्रश्न को समझना। राजपुताने का कर्ण महाराजा राय सिंह को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को, जबकि लूण करण सर अलग है साथियों, यहां पर आपके राजपुताने की बात की जा रही है, इसलिए राय सिंह आपका राइट आंसर रहेगा प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर इसका 2 है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? महाराणा प्रताप ने, सवाई जय सिंह ने, महाराजा सूरजमल ने और महाराणा कुंभा ने। तो मित्रों विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। विकल्प नंबर आपका इसमें 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। बाकी ये जो रिक्त स्थान वाले फिर से जो क्वेश्चन है ये सॉरी छूट गया है तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट 7 पे आते हैं साथियों। सातवां पार्ट में आपके पहला क्वेश्चन है, चेतावनी रा चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोटे किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारहट ने, अर्जुन लाल सेठी ने, जोरावर सिंह बारहट ने और राव भोपाल सिंह खरवा ने। तो मित्रों चेतावनी रा चुंगटिया ये जो सोटे लिखे गए हैं ये केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखे गए हैं। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न संख्या 1 में। पार्ट 7 का ये पहला क्वेश्चन है। बाकी पार्ट 7 का दूसरा क्वेश्चन क्या है देखिए पार्ट 7 के दूसरे क्वेश्चन को, राव सवाई कृष्ण सिंह के समय में बिजोलिया की जनता से लाग ली जाती थी 48 प्रकार की, 84 प्रकार की, 88 प्रकार की और 44 प्रकार की। तो मित्रों देखिए कृष्ण सिंह के समय बिजोलियों की जनता से 84 प्रकार की लागते ली जाती, कितने प्रकार के कर लिए जाते थे? 84 प्रकार के। विकल्प नंबर
यहाँ पर दूसरा सही रहेगा साथियों आपका प्रश्न संख्या, यहाँ दूसरा ही प्रश्न है ये पाठ सात का। चलिए इसमें एक और प्रश्न है साथियों जिसको आपको मिलान करना है इनको आपस में। मारवाड़ प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, जयपुर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल, इनमें ये जो व्यक्ति दे रखे हैं प्रसिद्ध व्यक्ति, इनका किससे संबंध किस प्रजामंडल से है? माणिकलाल वर्मा, पंडित अभिन्न हरि, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास और माघाराम वैद्य, इनका संबंध किस किस प्रजामंडल से है? आपको हमें कमेंट बॉक्स में जवाब देना है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट भी वीडियो को रोक कर ले सकते हैं। चलिए अगले पाठ की ओर बढ़ेंगे साथियों, पाठ आठ। तो आपके आठवां पाठ है, देखिए पाठ आठ को। आजादी पूर्व राजस्थान में कौन सी कुप्रथाएं प्रचलित थी? सती प्रथा, डाकन प्रथा, बाल विवाह और उपयुक्त सभी। तो मित्रों आजादी से पूर्व राजस्थान में सती प्रथा भी थी कि जब पुरुष की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो पत्नी है वो उसके साथ सती होती थी साथियों। डाकन प्रथा भी थी, डाकन प्रथा में यह माना जाता था कि जो स्त्री है उसके ऊपर किसी प्रेत आत्मा का साया आ चुका है। बाल विवाह सभी जानते हो, उपयुक्त सभी चीज, यहाँ पर कुप्रथाएं प्रचलित थी राजस्थान में आजादी के पूर्व। वर्तमान में भी देखो बाल विवाह तो अभी भी चला आ रहा है, डाकन प्रथा भी बहुत सी जगह देखने को मिल जाती है, बाकी सती प्रथा लगभग खत्म हो चुकी है। चौथा विकल्प सही है प्रश्न एक में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर दो, 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल कहाँ खोला गया? जयपुर, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर। राजस्थान की बात की जा रही है साथियों। देखो कोलकाता में भी खोला गया था स्कूल तो, लेकिन राजस्थान की अगर हम बात करें तो 1819 को आधुनिक शिक्षा का पहला स्कूल आपके अजमेर में खोला गया था, फिर बिनाय केकड़ी इनमें भी खोला गया था बाद में, लेकिन पहले सबसे पहले अजमेर में खोला गया था। तो दूसरा विकल्प आपका सही है प्रश्न दो में। इसमें भी वापिस मिलान वाला एक प्रश्न आया है, दास प्रथा, अमृता देवी, मेयो कॉलेज और विद्या भवन, इनका संबंध किस किस से है? उदयपुर, अजमेर, कुरीति और खेंजड़ली आंदोलन। तो साथियों देखिए दास प्रथा, अमृता देवी का तो सभी को पता है खेंजड़ली आंदोलन है, बाकी दास प्रथा, मेयो कॉलेज और विद्या भवन, इनका संबंध किस किस से है आपको बिल्कुल मिलान करना है इसका, क्योंकि मिलान आप करोगे तो आपकी इसमें नॉलेज में अच्छी खासी वृद्धि हो जाएगी साथियों इस बारे में। चलिए अगले पार्ट नौ की ओर बढ़ते हैं। नौवे पार्ट में पहला क्वेश्चन आपके है मित्रों। तो मित्रों पार्ट नौ का मतलब अंतिम पार्ट है ये इस बुक का। इसका पहला प्रश्न आपके आता है, आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है, उसे हम क्या कहेंगे? संग्रहालय कहेंगे, संविधान कहेंगे, विद्यालय कहेंगे और इनमें से कोई नहीं। तो जिन कानूनों और नियमों का संग्रह के आधार पर किसी देश या संस्था का संचालन किया जाएगा उसको संविधान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संविधान के नाम से। विकल्प नंबर दो सही है साथियों इसमें। नेक्स्ट इसका दूसरा क्वेश्चन पार्ट नौ का अंतिम पार्ट है ये, 26 जनवरी 1950 को हम महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं क्योंकि इस दिन संविधान निर्मित हुआ था भारत का, संविधान सभा का गठन हुआ था, संविधान लागू हुआ था और हमारा देश आजाद। तो आजाद तो 15 अगस्त को हुआ था साथियों, यहाँ पर यह गलत हो गया। देखिए संविधान लागू होने के कारण ही हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। विकल्प नंबर तीन सही है प्रश्न संख्या दो में। आपको फिर यहाँ पर स्तंभ ए को स्तंभ बे से सुमेलित करना है, जय नारायण व्यास, गोकुल लाल असावा, हीरालाल शास्त्री, बलवंत सिंह मेहता, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और शाहपुरा भीलवाड़ा, मतलब ये कहाँ के निवासी थे, इनका संबंध किस स्थान से है, आपको इस क्वेश्चन में मिलान करके बताना है साथियों। तो इस क्वेश्चन को भी आपको आराम से रोक करके वीडियो को अच्छी तरह से आप देख सकते हो। तो ये कक्षा सात की जो राजस्थान अध्ययन की बुक थी उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पाठ के बाद वाले में करा चुका हूँ। अब कक्षा आठ, कक्षा छः, कक्षा नौ, दस, ग्यारह इन पुस्तकों के भी बिल्कुल मैं राजस्थान अध्ययन के क्वेश्चन बाद वाले कराऊंगा, फिर इनके अंदर से मैं क्वेश्चन लूंगा साथियों। तो इसी प्रकार आप निशुल्क अगर कक्षाएं लेना चाहते हो, ऑथेंटिक चीज़ें अगर आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप साथियों इस यूट्यूब चैनल के साथ जरूर ज्वाइन हो जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके हमें आप सपोर्ट भी कर सकते हो ऐसे और भी वीडियो बनाने के लिए। मित्रों कल हमने शिक्षण विधियों का भी एक वीडियो डाला था, टोटल 50 क्वेश्चन थे डीएलएड और बीएड की पुस्तकों में से, उसमें दो चार प्रश्नों पर आपको कंफ्यूजन भी था। तो बिल्कुल उसमें कंफ्यूजन वाली कोई चीज नहीं है, बिल्कुल ऑथेंटिक आंसर मैंने उसमें बताए हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा सभी को वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूले साथियों, वीडियो को शेयर करना नहीं भूले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।